उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। अतीक के बेटे अली ने जंगल से बरामद करवाई पिस्टल। पुलिस का स्टडी रिमांड पूरी होने पर अतीक के बेटे को भेजा गया जेल। आपको बता दें कि अतीक अहमद के बेटे अली पर पिछले साल 31 दिसंबर को करेली के प्रॉपर्टी डीलर जिशान उर्फ जानू ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगने, हत्या के प्रयास समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। अली ने बुलडोजर से उसका ऑफिस भी गिरवा दिया था। अतीक अहमद के बेटे अली ने सोमवार सुबह बख्शी मोड़ा के पास जंगल से पुलिस को पिस्टल बरामद कराई। पुलिस ने इसी पिस्टल की बरामदगी के लिए अदालत से अली की कस्टडी रिमांड मांगी थी। अली से रात भर पूछताछ हुई, उसने पुलिस के द्वारा पूछे गए अधिकतर सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए। अली पर पिछले साल 31 दिसंबर को करेली के प्रॉपर्टी डीलर जिशान उर्फ जानू ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगने, हत्या के प्रयास समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। अली ने बुलडोजर से जिशान उर्फ जानू का ऑफिस भी गिरवा दिया था। इस दौरान जमकर फायरिंग भी की गई थी। अली तभी से फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर पहले 25 और फिर 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस लगातार उसे पकड़ने की कोशिश में लगी थी। कई जगहों पर अली को पकड़ने के लिए छापेमारी भी की गई थी, लेकिन पुलिस अली को पकड़ने में नाकाम रही। अली ने खुद ही 30 जुलाई को सरेंडर कर दिया। इसके बाद उसे नैनी जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कस्टडी रिमांड की मांग की थी। अदालत के आदेश पर रविवार को अली को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक उसने अधिकतर सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए। अलग अलग अधिकारियों ने उनसे घंटों पूछताछ की। फरार इनामी अपराधियों के बारे में उन्होंने बताया कि घटना के बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई और ना ही उनके संपर्क में है। बहुत मशक्कत के बाद अली ने घटना में इस्तेमाल किया गया पिस्टल के बारे में बताया। उसने पिस्टल को बख्शी मोड़ा के पास जंगल में छिपाया था। पुलिस अली को लेकर बख्शी मोड़ा पहुंची। वहां खोजबीन के बाद अली पिस्टल बरामद करवा दी। सीओ सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि कस्टडी रिमांड खत्म होने के बाद ही अली को वापस नैनी जेल भेज दिया गया है। अली ने यह भी बताया कि फरार के दौरान वो कोलकाता के निकट एक अपार्टमेंट में फ्लैट किराए पर लेकर रहता था। उसके साथ उसके दोस्त भी थे। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।